हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज कोई वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको जो है अपने अपने स्क्रीन पे मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा। आप मुझे टेलीग्राम पे सॉल्यूशन अप के नाम पे भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों, आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि कई बार दोस्तों टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर में चेंजेस होती है तो उसकी अपडेट मैं अपने टेलीग्राम में देता हूँ। साथ ही साथ जैसे दोस्तों बहुत से छोटे छोटे टूर्नामेंट चल रहे हैं, जैसे ECS चल रहा है, विल्टाल्टी लीग चल रही है, तो उसकी मैं वीडियो नहीं बना पाता, तो उसकी मैच प्रेडिक्शन भी मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट करता हूं। तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक जो है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। तो आज मैं आपके लिए PSL 2021 के दोस्तों 24th मैच की मैच प्रेडिक्शन है। जो 24th मुकाबला ये खेला जाएगा पेशावर जलमी वर्सेज कराची किंग्स के बीच, और जो मुकाबला है दोस्तों ये होगा आपका आज यानी कि 15 जून की दोस्तों रात को 11:30 बजे भारतीय समय अनुसार, और मुकाबला खेला जाएगा अबू धाबी के शेख जायद के स्टेडियम में। तो मैच में जाने से पहले अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयरों पर ना डालूं तो दोस्तों पेशावर के पास जो बल्लेबाज हैं वो हैं बिस्मिल्लाह खान, डेविड मिलर, हजरतुल्लाह सदई, इमाम उल हक, रोमन पावल, शेफिन रदरफोर्ड, कामरान अकमल, शोहे मलिक जैसे प्लेयर दोस्तों। वहीं अगर मैं कराची किंग्स की बल्लेबाजी पर ना डालूं तो उनके पास दोस्तों बाबर आजम, शर्जील खान, मार्टिन गप्टिल, तिसारा परेरा, नजीबुल्ला जादरान जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, आमिन यमीन जैसे प्लेयर हैं, इमाद वसीम जैसे प्लेयर हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं दोस्तों, तो बल्लेबाजी में तो मुझे जो है दोस्तों हल्का सा पल्ला जो है कराची किंग्स का पल्ला भारी लग रहा है। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी में डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं पेशावर जलमी की गेंदबाजी में डालूं तो उनके पास जो गेंदबाज हैं दोस्तों वह हैं फिदल एडवर्ड्स, मोहम्मद इरफान, वहाब रियाज जैसे प्लेयर दोस्तों, वही दोस्तों आपका फैबलिन एलन जैसे प्लेयर हैं, फैबिन एलन आपको बॉलिंग करते नज़र आ जाएंगे, और एम इमरान रंधावा जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, एम आमिर खान, एम इमरान और उमेद आसिफ जैसे गेंदबाज हैं। उमेद आसिफ काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं। वहीं अच्छे दोस्तों मैं अगर कराची किंग्स की गेंदबाजी में डालूँ तो उनके पास जो गेंदबाज हैं वह मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इलियास, एन अहमद, वकास मकसूद जैसे प्लेयर, अरशद इकबाल जैसे गेंदबाज दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो भले ही कराची किंग्स का पल्ला जो है दोस्तों बल्लेबाजी में भारी हो, पर गेंदबाजी में पेशावर जलमी का पल्ला भारी लग रहा है मुझे। और आपको दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्रेडिक्शन ऐप का लिंक मिलेगा, जिसको आप क्लिक करके डाउनलोड करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके हिसाब से कौन सी टीम जीतेगी। तो वो लिंक पर क्लिक करके प्रेडिक्ट करें दोस्तों, डाउनलोड करके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप मुझे टेलीग्राम पर सॉल्यूशन अप के नाम पर भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों क्लिक करके। क्योंकि कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच मेरा चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं आपको अपने टेलीग्राम में देता हूं। साथ ही साथ बहुत से मैचेस की वीडियो मैं नहीं बना पाता हूं, जैसे जो मैचेस चल रहे हैं ECS विटाल्टी लीग, उसकी मैच प्रेडिक्शन भी मैं अपने टेलीग्राम में अपडेट करता हूं। तो ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों, लिंक जो है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा पिन किया हुआ। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो मुकाबला है वो कराची किंग्स जीतेगी। जी हाँ दोस्तों, कराची किंग्स ही मुकाबला जीतेगी मेरे हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।